हाय दोस्तों, एक वीडियो लेके आपके सामने। एक अच्छी आप देख सकते हो, एक ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड का है और रिवर्स लेते वक्त फंस गया अंदर। और देख सकते हो आप, इसमें मिट्टी भरी है, गिरे हो मिट्टी, और आगे भी मिट्टी है। इसके वजह से वो निकलना नहीं रहा और आप देख सकते हो ये पूरी ट्रॉली जैसे तक टच हुई है मिट्टी में। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ट्रक के टायर यूज़ करते हैं 10-20 के, इसके वजह से कि वो पंचर कम होता है और झटके भी कम लेते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं, कोशिश कर रहे बहुत लेकिन निकल नहीं रहा। तो उसके अंदर मिट्टी भी है और सामने भी मिट्टी है, टायर जगह पे घूम रहे हैं और लोड होने की वजह से नहीं निकल रहे। आप देख सकते हैं टायर पूरा का पूरा धस के पूरा एक्सल जो चेसी रहता है वो भी पूरा जमीन को टच हुआ है, तो निकलना मुश्किल है। लेकिन आप देखते रहिए, इसको निकालेंगे आराम से। बड़ी मशीन वहाँ से मंगवाई है निकालने के लिए। आप देख सकते हैं ये मशीन अभी इसे उठाएंगे ट्रॉली को और आराम से इसे निकाल देगी। वीडियो अंत तक देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने और दोस्तों को दिखाइए वीडियो। देख सकते हैं आप, पोकलन ने इसे निकाल दिया, लेकिन सामने चिकनी मिट्टी होने की वजह से ये थोड़ी निकल नहीं रही। बरोबर फिर ना मला काय ना।
अब देखिए ये मशीन ट्रॉली को उठा के साइड में रख रहा है, उसे घूमने के चांस मिले और ये उठा के साइड में ले रही है, उसे लगाने के लिए टोचन चांस नहीं मिला, लेकिन तब भी वो उठा के थोड़ा साइड ले रहा है। तब भी नहीं निकल, अभी ये सुपरवाइजर ये दिमाग लगा रहा है कि इसे पीछे खींचे, इसे ये आराम से निकलेगी, लेकिन उसके डर भी रहता है कुछ टूटने फिटने का, उसे पावर ज़्यादा है मशीन को, इसे उसे ज़्यादा ताकत नहीं लगा रहे, क्या करे, इसे रिक्स भी लेना पड़ता है हर चीज़ का। आप देख सकते हैं तब भी नहीं निकले, इसे बहुत ताकत दे रहे हैं और वो निकले धीरे धीरे। इससे क्या होता है, टायर का ज़्यादा घर्षण होता है और टायर जल्दी ख़राब हो जाता है घूम के घूम के। आप देख सकते हैं तब भी नहीं निकला, लेकिन टोचन करना पड़ा मशीन को, तब वो आराम से निकल गई, नहीं तो वैसे घूमती रहती।